नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो आईपीओ है कुछ समय पहले ही क्लोज हुआ था और कल या परसों में इसकी अलॉटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप अलॉटमेंट होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग कितने में होगी और अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो इस आईपीओ को आपको तुरंत ही लिस्टिंग के दिन बेच देना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो में इसे बना के रखना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। डियर इन्वेस्टर्स, अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक पर अपने वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हो सकते हैं, या तो ऐसे शेयर्स के बारे में बताता हूं जो कि पोटेंशियल रखते हैं आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न दे सकें, और साथ ही साथ स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में बताता हूं जो कि इन्वेस्टर को अवेयर करने के लिए रहता है कि उनको मार्केट में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं फाइनेंशियल प्लानिंग और आईपीओ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जो भी लेटेस्ट आईपीओ करंटली मार्केट में ओपन रहते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे किसी भी स्टॉक के बारे में, आईपीओ के बारे में या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोज डालता हूँ उसके बारे में अपडेट मिलते रहे। और जो बेल आइकन रहता है उस पर भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मिल जाए। शुरुआत में तो मैं इस आईपीओ के टाइमलाइन के साथ आपको करूंगा, जो कि वैसे आपको पता ही होगी कि आईपीओ जो है 10 तारीख को ओपन हुआ था, यानी 10 जनवरी को ओपन हुआ था। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 12 जनवरी की थी जो कि जा चुकी है। इसके अलॉटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है आपको 17 जनवरी तक मिल जाएगी, यानी मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको पता चल जाएगा। अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं होता है तो उसका जो पैसा है 18 जनवरी तक रिफंड कर दिया जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट होता है उनके डीमैट अकाउंट में 19 जनवरी तक स्टॉक्स आ जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग है एक्सचेंज में वो 22 जनवरी को होगी। चलिए आइए सब्सक्रिप्शन के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस आईपीओ को किस तरीके का रिस्पांस मिला था। तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन तीनों का ही मैंने आपके सामने सब्सक्रिप्शन का डेटा रखा है। मैं डायरेक्टली तीसरे दिन के बात करूंगा, जिस दिन QIB NII ने बढ़ चढ़ के इस आईपीओ को रिस्पांस दिया था, अच्छे से अप्लाई किया था। RII ने भी लगभग 40 टाइम्स को अप्लाई किया था। RII वो रहते हैं जो 2 लाख से कम अमाउंट किसी भी आईपीओ में लगाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो RII में आते हैं। और टोटल जो आईपीओ था वो लगभग 248 टाइम्स से इसको सब्सक्राइब किया गया था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर अलॉटमेंट हुआ है या नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये लिंक पे जाकर के आप पता कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। ये लिंक क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का स्क्रीन आएगी जिसमें आप अपना पैन नंबर, एप्लीकेशन या DP जो क्लाइंट ID है, ये तीनों में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन डाल के आप सर्च कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। ये जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट करके उस लिंक पे जा सकते हैं। चलिए अब इसके इशू डिटेल्स देखते हैं कि आखिरकार ये आईपीओ जो था कितने इशू साइज का था। तो लगभग 156 करोड़ का ये जो इशू साइज था इस आईपीओ का। जो प्राइस बैंड सेट की गई थी वो 270 से लेकर 275 रुपए की सेट की गई थी। इसका जो लॉट साइज था वो 50 शेयर का एक लॉट सेट किया गया था। चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार इस आईपीओ से आपको पॉसिबल गेन होने की कितनी संभावना है। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 12 रुपये का डिस्काउंट सबसे पहले तो इस आईपीओ में दिया गया है। ग्रे मार्केट प्राइस की वैल्यू अगर मैं बताना चाहूँ तो ये 190 से लेकर 210 रुपये की चल रही है। ग्रे मार्केट प्राइस या ग्रे मार्केट प्रीमियम इसको हम बोलते हैं, जो कि आपका जो प्राइस बैंड सेट किया था उसके ऊपर की वैल्यू रहती है। चलिए अभी इस आईपीओ की पॉसिबल लिस्टिंग की बात करते हैं। तो ये जो आईपीओ है लगभग 465 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है, जो कि 190 रुपए ग्रे मार्केट प्राइस है और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड था 275, उन दोनों का अगर आप ऐड करते हैं तो 465 रुपए के आसपास इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। किसी रिटेल इन्वेस्टर को जो पॉसिबल गेन होने की संभावना है वो 202 रुपए की संभावना है, जो कि 190 ग्रे मार्केट प्राइस था और 12 रुपए जो उनको डिस्काउंट मिल रहा है उन दोनों को एडिशन करने से आता है। यानी अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर
है उसको ये आईपीओ का अलॉटमेंट होता है, तो उसे 202 इंटू 50 रुपये 50 लॉट के हिसाब से लगभग 10,100 रुपये का लिस्टिंग डे के दिन पॉसिबल गेन होने की संभावना है। चलिए अब देखते हैं कि अगर लिस्टिंग होने के बाद आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको आखिरकार इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। ये जो कंपनी है हैदराबाद की बेस्ड कंपनी है, जो कि 1997 में स्टार्ट हुई थी। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ हाई परफॉर्मेंस वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उनको मैन्युफैक्चर भी करती है। इनका जो मेन सर्विस प्रोवाइड करने का एरिया है वो डिफेंस को सर्विसेज देते हैं, होमलैंड सिक्योरिटीज़ को देते हैं, साथ ही साथ स्पेस प्रोग्राम में भी अपनी सर्विसेज देते हैं। ये जो है ISO 9001:2005 सर्टिफाइड कंपनी है, यानी कि इसको अच्छे ऑर्डर मिलने की इस सर्टिफिकेट की वजह से और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। आप देख सकते हैं इस कंपनी ने जो सर्विसेज दी हैं या पार्टिसिपेट किया है वो इंडिजीनियस मिसाइल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इस कंपनी ने काम किया है, न्यूक्लियर मिसाइल हो गई, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गई, इंडिजीनियस सबमरीन प्रोग्राम हो गए, यानी जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोग्राम रहते हैं उसमें इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है पास्ट में। करंटली अगर ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास लगभग 80 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक प्रेजेंट है। और अगर हम इस कंपनी के पॉजिटिव्स को देखें कि इसके आगे आने वाले दिनों में इस कंपनी के लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है, और यही चीज़ है जिसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि आप इस आईपीओ को और लंबे समय के लिए रखें या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। तो ये जो कंपनी है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एक नई से नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है वो सही टाइम पे करती है, क्वालिटी के साथ करती है, जिस वजह से इसका एक अच्छा खासा ब्रांड नेम बन चुका है, अच्छा खासा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस वजह से इनको आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना है। और जो गवर्नमेंट ने अपना मेक इन इंडिया का स्मार्ट सिटी का जो एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जो ज़रूरत होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और मेक इन इंडिया की वजह से डिफेंस सेक्टर में जो इंडिया में बनाई हुई इक्विपमेंट है उनको खरीदने की जो एक नई स्कोप आया है उस वजह से भी इस कंपनी को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 इसके हिसाब से ऐसा बोला गया था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी इंडियन इंडिजीनियस डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर की जाती है उसको हम 30% से बढ़ा के 40% करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 10% का प्रोक्योरमेंट या प्रोसीजर वाली न्यूज़ थी, इससे भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बूस्ट आ सकता है। और साथ ही साथ करंटली जो बजट है उसमें भी अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई और न्यूज़ आती है तो वो भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पैरामीटर का काम कर सकती है। तो आइए अब तो हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल की आखिरकार इस कंपनी ने पहले किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो FY13 से FY17 तक का आपके सामने डेटा रखा है, तो इसका टोटल एसेट वैल्यू आप देख सकते हैं FY13 में लगभग 450 मिलियन के आसपास था, जो कि अभी बढ़ के लगभग 2400 मिलियन के आसपास हो चुका है। इसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे जो कि लगभग 30 मिलियन के आसपास FY13 में था, जो कि अभी लगभग 6 गुना बढ़ के लगभग 185 मिलियन के आसपास हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियली इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ सालों में। अब अगर इसके वैल्यूएशंस की बात करें बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 17 के हिसाब से, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 13.54 रुपीज़ का आता है, और प्राइस पर अर्निंग रेशियो जो है वो 20.31 की आती है। उसी प्रकार अगर हम रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी देखेंगे तो लगभग 29.3% की आती है। अब अगर हम इसका पेयर कंपैरिजन करके देखें तो आप देख सकते हैं इसके दो मेन कॉम्पिटिटर मैंने आपके सामने बताए हैं, जो कि एक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट और जो दूसरा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो EPS की जहां तक की बात करूंगी तो सबसे ज़्यादा जो EPS है वो अपोलो माइक्रो सिस्टम का है, जो कि 13.54 का है। बाकी दोनों ही कंपनियाँ हैं उनका लगभग 6.5 और 6.6 का है। PE रेशियो लगभग तीनों कंपनी का सेम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 28% का है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की सबसे ज़्यादा आती है, जो कि लगभग 30% की है। एस्ट्रा माइक्रोवेव की जो है लगभग 12.54 का है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 20.61 का है। तो ये सारे
जो पैरामीटर्स मैंने इस वीडियो में आपको बताए इस कंपनी से रिलेटेड, वो और जो न्यूज़ मैंने आपको बताई, इससे तो देख के ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन क्योंकि ये आईपीओ एक बहुत ही अच्छे गैपअप के साथ ओपन होगा, तो मोस्ट प्रॉबली ऐसा हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो इस आईपीओ से रिलेटेड जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो ऐसी हो सकती है, अगर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ तो आप इसको आईपीओ की लिस्टिंग के हिसाब से 10-15% के डाउनसाइड में एक स्टॉप लॉस बना करके होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि लगभग 14,000-15,000 के आसपास तक का था, उतना अमाउंट निकाल लीजिए और जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बना करके रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको 10-15% का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैंने ग्रे मार्केट प्राइस बताई है ये किसी भी वक्त चेंज हो सकती है, तो जो भी ग्रे मार्केट प्राइस आज की है वो हो सकता है लिस्टिंग डे के दिन कम हो सकती है। अगर आपको लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस जानना है तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, या इस वीडियो का जो पहला कमेंट रहेगा आप उसको देख सकते हैं जहाँ पे मैं लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस का इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो में दी गई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मेरी पर्सनल राय है। अगर आपको इस आईपीओ में अपना स्ट्रेटजी बनाना है तो आप किसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस लेने के बाद ही इस आईपीओ में अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं अपनी तरफ से आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।